विकास भी तो कर रहे हैं। क्या विकास किया? कोलकाता की वो सड़क दिखाते हैं, अमेरिका की बिल्डिंग दिखाते हैं, विकास है? जी बिल्कुल, अभी जो रोड बनवाए हैं, एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया है, हाईवे तक। अखबार में तो कोलकाता की सड़क दिखाई है ना, तो हम तो वही मानेंगे कि कोलकाता की सड़क है तो कोलकाता की दिखाई है, हम यूपी जाके क्या देखेंगे उनके हर एक्सप्रेसवे। के चार पांच काम जो आपको पसंद आए? मुझे आज तक उनका कोई काम पसंद नहीं आया। और जैसे बात की गई कि जैसे हमारे केजरीवाल जी ने देशभक्ति सिलेबस लाया है, वो हम आप पढ़ते हैं, मोदी जी क्यों नहीं ला पाए, वो तो प्रधानमंत्री है ना। और जहाँ बात हो रही थी राशन, ड्राई राशन देने की, उसमें भी उन्होंने मना कर दिया था। ये 56 इंच का पत्थर कभी ऑक्सीजन पे गिर जाता है, हर चीजों पे गिर रहा है, और ये लाशों के अंबारे खड़ी कर रहे हैं, हमें बता दे। लेकिन 5-5 किलो राशन दे रहे हैं यूपी में, 15 करोड़ लोगों को राशन मिलेगा, उससे लोगों का गरीबों को तो किसान भी तो 1 करोड़ मांग रहे हैं, किसान भी उस पर भी देखना चाहिए कि मैं तो कहती हूँ कि 1 करोड़ की जगह आप जिनके जो किसान मरे हैं, जो कुचले गए हैं गाड़ियों से, उनके बेटों को, उनके परिवार वालों को, उनके जितने भी पोते पोती हैं, उन सबको सरकारी नौकरी भी दी जाए। जी तो किसान तो मोदी जी कह रहे हैं कि किसान को समझ नहीं आया, हमने इसीलिए कानून वापस ले लिया, एक साल जो है पूरा देखा। कुछ किसान समझ, जब कानून वापस ही लेना था तो 1 साल बर्बाद क्यों किया किसानों का? कितनी फसल उग जाती, कितना खाना बर्बाद हुआ है, कितने किसानों ने फसल कुचली है अपनी, क्यों? क्योंकि 1 साल से वो यहाँ बैठे थे, अपनी शान बना रही थी उन्हें, ताकि हम यहाँ पे बचे, किसान आंदोलन खड़ा रहे। उन्होंने कहा कुछ किसानों को हम समझा नहीं पाए, सरकार की तरफ से समझाने की कोशिश करी लेकिन समझाने में नाकाम हुए। किसान, एक भी किसान नहीं समझ पाएगा, जब इतना अंधा कानून आएगा तो कौन समझ पाएगा? जी अंधा कानून है जी, मेरे को और मेरे को ही नहीं पूरी दुनिया को लगता है कि अंधा कानून है। अमित शाह जी कहते हैं उत्तर प्रदेश में महिलाएं रात में भी गहने पहन के निकल सकती है, बहुत सेफ है, सुरक्षित। अच्छा, गहने पहन के निकल तो सकती हैं, आधे घंटे बाद वो गहने चोरी हो जाएंगे, वो पहन के कहाँ से निकलेंगी? जी लेकिन उन्होंने कहा है कि गुंडा राज भी खत्म कर दिया यूपी के अंदर जब सरकार बनी है यूपी में। अभी कल परसों फिर कोई बलात्कार का केस आ जाएगा, फिर कोई रेप का केस आ जाएगा, गुंडागर्दी तो वो तो कह देंगे कितना भी गुंडागर्दी खत्म हो गई है, असलियत तो देखो योगी जी, मोदी जी, धर्म बचाया है, हिंदुत्ववादी भी है ना, हिंदुओं को खतरे, अगर धर्म मंदिर बनाया है तो एक मस्जिद भी बना दीजिए, उनका क्या जा रहा है, एक गुरुद्वारा भी बना दीजिए। आप तो प्रधानमंत्री है ना, आप तो देशवासियों को ढूंढते हैं, तो हिंदू हिंदू में क्यों रहते हैं? नहीं, वहाँ मंदिर पहले था, उनका कहना तोड़ा गया तो फिर वहीं बना रहे हैं ना। बहुत अच्छी बात है मंदिर बनाया, लेकिन उधर ही 1 किलोमीटर दूर, 2 किलोमीटर दूर आप एक मस्जिद भी तो बना सकते थे। जमीन दे दी है उन्होंने, जमीन दे दी है, बन गया मस्जिद। नहीं तो राष्ट्र हित के लिए काम करते हैं, देश खतरे में, हिंदू खतरे में, और बार बार इस बात को कहाँ हिंदू खतरे में, कहाँ मुस्लिम खतरे में, आप ऐसे बुला बुला के दंगे लगा देते हैं कि हिंदू खतरे में हिंदू खड़े हो जाते हैं, मुसलमान खतरे में मुसलमान खड़े हो जाते हैं, आप ऐसी दंगे कराते हैं जी। इस बिल को वापस होने के बाद बीजेपी को कुछ फायदा होगा? कुछ फायदा नहीं होगा, मैं तो कहती हूँ कि उनकी कुर्सी भी जाएगी। ये 3 लोग हैं जो देश चलाने के लिए बहुत काफी हैं, एक तो किसान, दूसरा जवान और तीसरा अध्यापक। किसान रोटी देता है, जवान सुरक्षा देता है, और अध्यापक शिक्षा देता है। इन 3 को ही संभाल लो मोदी जी, ये 3 ही आपके कब्जे से बाहर हैं। मोदी जी के हाथों में देश सुरक्षित है? मेरे को नहीं लगता है देश सुरक्षित है। जहाँ वो कहते थे 1 के बदले 10 सिर लाएंगे पाकिस्तान के बदले, वहाँ उन्होंने 4 करोड़ वैक्सीनेशन के डोज भेज दिए, कहाँ सुरक्षित है देश? अब वैसे तो वो कहते हैं पाकिस्तान से हमारी कट्टर दुश्मनी है। योगी जी उत्तर प्रदेश को देश में नंबर 1 बना दिया है, किस वजह से देखती है? 4 साल बेमिसाल किए उन्होंने। अगर यूपी इतना बेमिसाल है तो दिल्ली का क्या हाल है भाई? दिल्ली तो अभी देख रहे हैं कि पूरे हिंदुस्तान में सबसे बड़ी स्टेट है। दिल्ली में देखिए शिक्षा फ्री है, और आप देख सकते हैं गवर्नमेंट स्कूल कितने अच्छे डेवलप हो गए, अस्पताल इतने डेवलप हो गए हैं, और आप देख सकते हैं मोहल्ला क्लिनिक भी बन रहे हैं, महिलाओं के लिए भी सेफ्टी है, हर जगह CCTV है। दिल्ली का तो सबसे बढ़िया हाल लगता है मुझे, यूपी में तो मैं क्या ही बात करूँ उसकी। है ना, सड़कें बनवा दी है, 4-4 एक्सप्रेसवे बनवा दी है, 4 बनाए हैं, और दिल्ली में 4 करोड़ बनवा दिए हैं जी। चार करोड़ बनवा दिए जी, बिल्कुल। अब हर सड़क को देखिए,
कृषि बिल वापस हो गया मोदी जी जैसे कि उन्होंने कहा है, तो क्या किसान अब मोदी जी को वोट करेंगे? जी बिल्कुल नहीं करेंगे। क्यों? किसानों को जो भरोसा उन्होंने किसानों को पहले था, अब वो चला गया है। अगर उन्होंने पहले ही कानून वापस ले रखते, इतनी बढ़िया प्लानिंग बना रखी थी, तो पहले ही कानून वापस कर लेते। 700 से ज्यादा किसान मर गए, मौत के घाट उतर गए, तभी उन्होंने अभी फैसला लिया है। लेकिन समझदार भी तो कि एक साल बाद समझे, आप कह रहे हैं जिस तरीके से। अच्छा समझदार थे, इतना बुद्धू प्रधानमंत्री दे दिया, फिर तो एक साल में समझ रहे। कोई फैसला लेना हो तो एक मिनट क्या, एक साल लगा देगा ये तो? प्रधानमंत्री बुद्धू लगते हैं आपको? जी बिल्कुल लगते हैं, एक साल में एक फैसला ले पा रहे तो बुद्धू ही है। वो कह रहे हैं कि किसान बुद्धू नहीं समझ पाए, तो देखिए किसान जीत गए ना, किसान जीत गए, जिसमें हौसला था वो तो जीत ही गए। अब देख लीजिए किसमें हौसला था और किसमें नहीं था। प्रधानमंत्री जी का तो 56 इंच का सीना है, लोग कहते हैं बहुत शक्तिशाली प्रधानमंत्री। 56 इंच का सीना तो है, लेकिन ये सीना धीरे धीरे पत्थर बन रहा है। हर 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 चीज में गिर जाता है, ड्राई रेशन में गिर गया, कभी ऑक्सीजन की पाइप पे गिर गया, कभी रोजगार पे गिर गया। भाई पत्थर से पाकिस्तान और चीन तो डराता है, हर रहता है। जी बिल्कुल देख।